मिस सुनीता यादव में आपका स्वागत है। आज हम नारियल के लड्डू बनाएंगे जिसकी सामग्री इस प्रकार है। ये मैंने 100 ग्राम डेसिकेटेड नारियल लिया हुआ है, 100 ग्राम दूध है और 80 ग्राम बूरा। आइए हम लड्डू बनाते हैं। यहाँ पर हम एक पैन को लेंगे, उसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और जो हमने ये दूध लिया हुआ है इसको इसमें दूध से हम डाल देंगे। इस तरह से हमें इस दूध को थोड़ा गाढ़ा होना है, इस तरह से उसको गाढ़ा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए इस तरह से थोड़ा गाढ़ा होने लगा, तो इधर पैन में चिपकने लगा। इसकी मलाई को इसी तरह से मिलाते रहेंगे और ये देखिए इस तरह से अब ये देखिए दूध उबलने लगा है। थोड़ा सा हमारा और गाढ़ा हो जाएगा तब इसमें हमारा जो नारियल का पाउडर है उसको हम डालेंगे। ये देखिए इसमें हमारा जो डेसिकेट नारियल है इसको हम इसमें डाल देंगे। और इसको अच्छे से चलाएंगे। देखिए इस तरह से इसको नारियल को हम अच्छे से चलाना है ताकि इसमें जो मॉइस्चर है बिल्कुल सूख जाना चाहिए। नारियल के अंदर हमको घी वगैरह कुछ भी नहीं डालना क्योंकि नारियल में खुद ऑयल होता है, तो इसलिए हमें इसमें घी की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल अच्छे से हमको इसको सुखा लेना है, इसका गीलापन को बिल्कुल, तभी इसके लड्डू देखिएगा बहुत अच्छे टेस्टी लड्डू बनते हैं इसके नारियल के। इससे क्या देखिए गैस की फ्लेम को हम तेज कर देंगे, इस तरह से इसका एक डो की तरह तैयार हो जाएगा, इसका जो मॉइस्चर है सारा सूख जाएगा। देखिए पैन में किसी प्रकार का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है एकदम से। ये देखिए हमारा बिल्कुल बैटर किस तरह से देखिए पैन को छोड़ रहा है। अब हमको क्या करना है, इस जो हमारा बैटर तैयार हुआ है फ्लेम को हम बंद कर देंगे और एक दूसरे थाली में इसको ट्रांसफर कर देंगे इस तरह से। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, एकदम बिल्कुल ठंडा नहीं करना है इसको हमें, जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब हमारे पास जो बूरा है इसको मिलाएंगे, फिर हम इसके लड्डू बनाएंगे। ये देखिए लड्डू का मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है, इसमें हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे इतना, और जो हमारे पास ये जो बूरा है इसको इसमें मिला देंगे। हाथों की सहायता से अच्छे से इसको मैश कर लेंगे बिल्कुल। इसको थोड़े हल्के गर्म में ही डालना है, बिल्कुल ठंडा होने के बाद नहीं डालना, वरना हमारे जो लड्डू ये तैयार नहीं हो पाएंगे। देखिए इस तरह से इसको अच्छे से मैश कर लेंगे हम। ये देखिए इस तरह से इसका हमने बना के तैयार कर लिया है इसको, अच्छे से इसको बूरा को मिला के मिक्स कर लिया है। अब इस तरह से हम इसके छोटे छोटे गोले बनाएंगे। थोड़ा सा घी लगा लेंगे हाथ में इस तरह से, इसके अपने हिसाब से आप बनाइए जितना बड़ा आपको लड्डू चाहिए। इस तरह से हम एक एक लड्डू बनाएंगे और ये हमने नारियल का बुरादा लिया हुआ, इस तरह से इसमें एक एक लड्डू को इस तरह से इसमें कोट कर देंगे अच्छे से, जिससे कि इसमें आप ऊपर से जो हमारा नारियल का बुरादा अच्छे से चिपक जाएगा। देखिए इस तरह से हमारा एक नारियल का लड्डू बन करके तैयार हो गया। इसी तरह से हम सारे लड्डू को तैयार करें। ये लीजिए हमारे नारियल के लड्डू बन करके तैयार हैं। आप रक्षाबंधन पर जरूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।